नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल JPS ब्लॉग। आज हम आपको ले चलते हैं रायपुर से विशाखापट्टनम, जो है यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर। यहाँ से निकलेंगे और रुकते रुकते जाएंगे, क्योंकि गाड़ी को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, उसकी वजह से हम थोड़ा रुकते जाएंगे और नेक्स्ट डे आपको दिखेंगे। हम लोग आर के बीच पे हैं, बट यहाँ पे बीच पे नहाना मना है, इसलिए हम ऋषिकुंडा जा रहे हैं, जहाँ नहाने के लिए सभी सुविधाएं हैं और बोटिंग वोटिंग सभी सुविधाएं मिल रही हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं। फाइनली हम लोग ऋषिकुंडा बीच पहुंच चुके हैं। देखिए नज़ारा बीच का, पानी ही पानी, समुद्र ही समुद्र, मौसम बादल वाला है, हल्का हल्का बारिश हो रही है। देखिए यहाँ तक आ रहा है समुद्र का पानी, बहुत अच्छा है। देखिए समुद्र की लहरें, लोग नहा रहे हैं, सब बोट का मजा ले रहे हैं यहाँ पे। और इस तरफ किनारे पे इस तरह का नज़ारा है। देखिए समुद्र किनारे बसे इस वाइजक शहर में आपका स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ। आप अपने फ्रेंड के साथ भी आ सकते हैं, फैमिली के साथ भी आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी जगह है। और ज़रूर आइए और एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ के अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। अभी हम आ गए हैं लुम्बिनी पार्क, और बगल में हमने गाड़ी दी है वॉश के लिए। जब तक गाड़ी वॉश होती है, तब तक हम लुम्बिनी पार्क का पूरा घूम के देखते हैं क्या क्या बना हुआ है यहाँ। और उसके बाद जाएँगे हम कैलाश गिरी पर्वत, जो यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यही है कैलाश गिरी पर्वत, यही हम जाएंगे यहाँ। और ऊपर में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को बनाई गई है, जैसे व्यू पॉइंट बनाए गए हैं, वो सब देखेंगे। अभी हम चढ़ रहे हैं कैलाश गिरी पर्वत, जहाँ से हमें पूरा शहर दिखेगा और साथ ही समुद्र की ऐसी मनमोहक दृश्य दिखेगा, बहुत ही मनमोहक। तो चलिए दिखाते हैं आपको। यह है कैलाश गिरी का मुख्य द्वार। सबसे पहले हम जाएंगे टाइटैनिक सी व्यू में और देखेंगे पूरा समुद्र, आसपास का पूरा इलाका यहाँ से पूरा दिख रहा है। देखिए पूरा दूर तक ऊपर नीला आसमान और नीचे समुद्र भी नीला नीला। सी व्यू पॉइंट है, पूरा वहाँ तक पूरा समुद्र ही समुद्र है। और इस तरफ ऊपर आने के बाद यहाँ टॉय ट्रेन का भी इंतज़ाम किया गया है, जिससे आप पूरा आसपास का एरिया ट्रेन में बैठ के देख सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं ट्रेन में बैठ के, और यहाँ का टिकट। एसी और नॉन एसी दोनों भी उपलब्ध है यहाँ। ट्रेन का टिकट यहाँ मिलेगा, और ये खड़ी है ट्रेन। चलिए अंदर चलते हैं। ये इंजन है, ये हमारी सीट है, सामने में ही सीट नहीं भरेगी तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। और 3 बोगियाँ हैं, 2 नॉर्मल और 1 AC वाली। देखिए ये कुछ चालू हो गई है, देखते हैं क्या क्या नज़ारा आपको दिखाते हैं। लगता तो नहीं है, इसको देखिए।
कैलाशगिरी पर्वत का मेन मूर्ति यहाँ शिव पार्वती की मूर्ति है मेन। यहाँ और भी टूरिस्ट रेलवे जैसे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, दो दिन वाइजैक में बिताने के बाद अब निकलते हैं रायपुर के लिए। अभी आप एंजॉय कीजिए सनराइज़। वाइज़ैग और रायपुर के बीच में ऐसी बहुत खूबसूरत पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेगी। अभी हम बीच रोड पे रुके हैं जहाँ टर्निंग है और यहाँ पे पत्थर जैसे दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। मौसम भी सुहाना हो रहा है, लगता है थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है। बारिश का नाम लिया और बारिश होना शुरू हो गई। देखिए कितने खूबसूरत नज़ारा है सामने पहाड़ी का, हरा भरा पूरा। यो का मौसम और बारिश कभी भी हो सकती है, बहुत अच्छा और अच्छा। सब्सक्राइब कीजिए जीपीएस ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए।